अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि थोड़ी बहुत आउटिंग बहुत जरूरी है। कलिकता से अच्छा असर पड़ेगा। तो मतलब मैं अनुषा के पास चली जाएगा? हाँ, लेकिन अभी फिलहाल हम लॉन में जा रहे हैं वॉक के लिए। अच्छी अच्छी बातें कर। आपको ऑफिस नहीं जाना? हाँ जाना है, थोड़ी देर से जाना है। बल्कि मैं सोच रहा था कि एक काम करते हैं कि तुम अनुषा से बोलो वो ऑफिस से वापस यहाँ से होती चली जाया करें, तो हमारी भी मुलाकात हो जाया करेगी। आउटिंग तो नहीं होगी ना लेकिन? हाँ ये तो बात है। फारूक, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। अभी तो हम वॉक पर जा रहे हैं, बाद में करते हैं बात। सुनो, ये सब कुछ बाद में भी हो सकता है शायद। बात भी तो बाद में हो सकती, ये ज्यादा जरूरी है। सुन लेते ना बात। अरे मैं सब बचपन से जानता हूँ, कोई बात नहीं है, फजूल में हर बात को लिंगर ऑन करती। हाँ भाई, अब तो अनुषा मिल गई तो दोस्त की याद ही नहीं आ रही। अगर आज मैं इनवाइट नहीं करता तो माते क्या? नहीं वकास, ऐसी बात नहीं, बस आंटी की कुछ तबीयत नहीं ठीक है तो उसकी वजह से ज्यादा घर को टाइम दे रहा हूँ आजकल। और बाबा भी बेचारे क्या क्या करें, यूसरा के इतने मसले होते हैं तुम्हें पता तो। क्यों, कोई मसला हो गया क्या? पता तो है, वो हर बात पे कोई ना कोई इश्यू तो क्रिएट किया होता है उसने। खैर छोड़, ये बता कि अनुषा का क्या हाल है आजकल? तो बड़ी मुलाकातें चल रही हैं, चेहरा खिला खिला सा रहने लगा है। हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ, खासतौर पर इस वजह से कि बाबा का उसके साथ रवैया अच्छा हो गया। तो यार देर किस बात की है, फौरन शादी की बात कर। करूँगा, बस मौका ढूंढ रहा हूँ। किस मौके का इंतजार कर रहे हो, जब तुम कह रहे हो कि उनका रवैया बदल गया है? वैसे भी यार उनको इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, अच्छा मौका है, बात कर, अंकल मान जाएंगे। अनुषा तो राजी है ना? हाँ वो राजी है, बस उसकी एक शर्त है और वो यही कि बाबा अगर इस रिश्ते के लिए अपनी खुशी से हाँ करेंगे तो फिर वो हाँ करेगी।